तो जो बी टीम हमें कहते हैं कि वो तो उमर अब्दुल्ला साहब तो खुद बीजेपी में रहे, अटल बिहारी वाजपेयी साहब की हुकूमत में एज एम एस फॉरन मिनिस्टर, और उसके जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आया तो दो वोट उनके बीजेपी को पड़े, शहीदुद्दीन सोर साहब ने वोट नहीं दिया तो उनको पार्टी से निकाला, ए टीम तो वो है। फारूक साहब ने परसों बताया कि हमारे दरवाजे बीजेपी के लिए खुले हैं, हमें प्राइवेट साहब बुलाएगा, हम रात को भी जाने चाहिए, वो रात को मिलते हैं। अच्छा सर, चैलेंज आपके लिए है डॉक्टर जितेंद्र साहब एक तरफ है, जिस तरह आपके लिए ये कौन कौन उतरता है, जमहूरियत है, कोई उतर सकता है, बिल्कुल कोई वोट काटने के लिए उतरेगा तो अलग बात है, जबकि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी को हमारे सलीम साहब ने कहा था कि आप आइए, हमने सूरज साहब को खड़ा किया, आप आइए सब सपोर्ट करें, बीजेपी को इकट्ठा आ रहेंगे, लिहाजा उन्होंने नहीं माना, अब वो उधार लेके कोई कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं तो अलग बात। पार्टी पे कई सारे इल्जाम भी लगाए जा रहे हैं, अपोजिशन पार्टी हो या बाकी सारे कुछ लोग हो, वो बताते हैं कि आज भाजपा के साथ आपकी पार्टी मिली हुई है, थोड़ा सा क्लियर कीजिए क्या सच्चाई क्या है। देखिए सच्चाई ये है, हमारी भाजपा के साथ न कोई कंसर्न है न कोई वास्ता है, अगर भाजपा के साथ कोई कंसर्न होता फिर हम आज भाजपा के साथ इलेक्शन मुकाबले में खड़े होते, फिर तो हमने कोई दिमी कैंडिडेट उठना था, आज मुकाबला हमारा बीजेपी का। कोई आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज नेशनल टेलीविजन और मैं हूं वसीम गतो। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी की मीटिंग आज डोडा के अंदर हुई, जिसमें खुद गुलाम मोहम्मद सरोड़ी साहब यहां पे मौजूद थे, और जिस तरह से आप जानते हैं कि हाल ही में एक अनाउंसमेंट हुई थी जिसमें बताया गया था कि गुलाम मोहम्मद सरोड़ी डोडा उदयपुर जो लोकसभा सीट है वहां से इलेक्शन लड़ेंगे, और इनसे खास बातचीत हुई, पहली दफा इनका इनको मौका दिया गया है। सरोड़ी साहब बहुत बहुत कीमती वक्त देने के लिए शुक्रिया, क्या बताओगे, एक बार आपको फिर से मौका दिया गया, नया मौका दिया गया है, तो किस तरह से पब्लिक में जा रहे हैं आप, तो किस तरह से रेस्पॉन्स आपको मिल रहा है? मैं कोई नया इनके लिए नहीं, मैं पिछले 20-25 साल से लोगों की खिदमत करते हैं, 3 बार मैं MLA बना, मिनिस्टर बना, एमएस बना, चेयरमैन रहा, वक्फ कौंसिल का मेंबर रहा, वाइस चेयरमैन रहा, मेरे लिए कोई नई चीज नहीं है, बल्कि मुझे पूरी रियासत के लोग टंगदा टीकवाल से लेके गुरेज से लेके लखनपुर से लेके लाठी सुदमादेव उधमपुर कुठवा और किश्तवाड़ डोडा रामबन बानहाल हर लोग हर आदमी मुझे जानता है, बल्कि फर्दन फर्दन भी मुझे लोग जानते, वो कोई इलाका नहीं है जिस इलाके में एज ए मिनिस्टर नहीं गया हूँ, जिस इलाके में एज ए MLA नहीं गया हूँ, या हमारी पार्टी के जब हम कांग्रेस में थे उस वक्त में इंचार्ज वहाँ कुठवा में था, उधमपुर में रहा, गूल में रहा, तो लिहाजा मेरे लिए कोई नई बात नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है कि लोगों के लिए कोई नया चेहरा मैं नहीं, लोगों के लिए वो जानते हैं मुझे कि मैंने ये बंजर जमीन जो मुझे मिली थी उसको मैंने जरखेज कैसे बनाया, और रियासत में जो मैंने मिनिस्ट्रियारन भी की वो भी एक नक्शा छाप के लाया मैंने, और उसके अलावा 1300 करोड़ रुपए का मुआवजा लोगों को दिलाया, वो लोग कभी भूलेंगे नहीं, और आजाद साहब की चीफ मिनिस्टर कभी भूलेंगे नहीं, लिहाजा ये 10 साल जो है जो जाया हो गए, जो इस जो हमारे MP साहब थे उनने जाया कर दिया, हमारे कोई काम नहीं हुआ, कोई काज नहीं हुआ, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, सिर्फ खोखले वादे, जबानी वादे, इसलिए लोग बदलाव चाहते हैं, मुझे उम्मीद है कि कुठवा उधमपुर किश्तवाड़ डोडा रामबन बनिहाल के लोग मुझे वोट करेंगे। कितना कितना बड़ा चैलेंज आपके लिए है डॉक्टर जितेंद्र साहब एक तरफ है, जिस तरह से बताया जा रहा है कि कल ये जो हमारे DDC कहरा है महराजुद्दीन मलिक, उन्होंने बताया कि मैं यहाँ पे इलेक्शन लड़ूंगा, दूसरी तरफ से बताया जा रहा है कि तीसरी तरफ से कि लाल सिंह भी इस मैदान में उतरेंगे, तो आप किस तरह से देखते हैं कितना बड़ा चैलेंज आपके लिए है? ये कौन कौन उतरता, जमहूरियत है, कोई उतर सकता है, बिल्कुल कोई वोट काटने के लिए उतरेगा तो अलग बात है, जबकि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और PDP को हमारे सलीम साहब ने कहा था कि आप आइए, हमने सूरज साहब को खड़ा किया, आप आइए सब सपोर्ट करें, बीजेपी को इकट्ठा आ रहेंगे, लिहाजा उन्होंने नहीं माना, अब वो उधार लेके कोई कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं तो अलग बात है, पर मेरे लिए कोई चैलेंज नहीं है, ये इम्तिहान मैंने बहुत देखे, ये चैलेंज है, ये लोगों के फैसला करना है, लोग एक साइड गए तो बड़े बड़े आसमान से जो बड़े बड़े चिनार के दरख्त गिर जाते हैं, ये तो सवाल ही पैदा नहीं, ये गिराना तो कोई बड़ा बात है। आपकी पार्टी पे कई सारे इल्जाम भी लगाए जा रहे हैं, अपोजिशन पार्टी हो या बाकी सारे कुछ लोग हो, वो बताते हैं कि आज भाजपा के साथ आपकी पार्टी मिली हुई है, थोड़ा सा क्लियर कीजिए क्या सच्चाई क्या है। देखिए सच्चाई ये है, हमारी भाजपा के साथ न कोई कंसर्न है न कोई वास्ता है, अगर भाजपा के साथ कोई कंसर्न होता फिर हम आज भाजपा के साथ इलेक्शन मुकाबले में खड़े होते, फिर तो हमने कोई दिमी कैंडिडेट उठना था, आज मुकाबला हमारा बीजेपी का, कोई बीच में जितने भी कैंडिडेट उठने उठे, आपको मालूम कि जो बी टीम हमें कहते हैं कि वो तो उमर अब्दुल्ला साहब तो खुद बीजेपी में रहे, अटल बिहारी वाजपेयी साहब की हुकूमत में एज एम एस फॉरन मिनिस्टर, और उसके जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आया तो 2 वोट उनके बीजेपी को पड़े, शहीदुद्दीन सोर साहब ने वोट नहीं दिया तो उनको पार्टी से निकाला, ए टीम तो वो है। फारूक साहब ने परसों बताया कि हमारे दरवाजे बीजेपी के लिए खुले हैं, हमें प्राइवेट साहब बुलाएगा, हम रात को भी जाने चाहिए, वो रात को मिलते हैं,
अच्छा सर, तो दिन को ज्यादा लोग मसाइल किन 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 मुद्दों पे इलेक्शन आप लड़ेंगे? देखिए, हमारा मकसद है जो आजाद साहब ने 370 रुपए दिए कि उन्हें चिल्ला चिल्ला के 2.5 घंटे फ्लोर ऑफ द हाउस पे राज्यसभा में वो बैठे और वहां उनने मनवाया कि वो स्टेट हम जल्दी देंगे मुनासिब वक्त पे। बाद में जब मीटिंग हुई हॉल पार्टी की, वहां भी उन्होंने दस्तकती प्रोग्राम रखा, वहां उन्होंने बताया कि हम इलेक्शन के बाद आपको स्टेट देंगे। तो साथ में उन्होंने ये मनाने के बाद फिर हमें ये भी कहा कि हम जो है बिजली जो है गरीबों को फ्री देंगे, हम जमीन जो है रोशनी की जो खत्म कर दिया है, स्टेट ले जो लोगों के नाम काट दिए हैं, उनके इंतकाल खत्म कर दिए, कलदम कर दिए हैं, वो सब दोबारा हम उसको लाएंगे, रोशनी का एक्ट और सरकार जो स्टेट ने लोगों को है जिसके 20-20 साल के कब्जे हैं वो उनको लोगों को वापस दी जाए, जो जंगलात सफेद जमीन 50-50 साल का कब्जा लोग उनको वापस दी जाएगी, राशन जो साहब का स्केल थी ये भरनी चाहिए थी कि कम होनी चाहिए थी, जो 50 किलो स्केल प्राणी उसको दिया जाएगा, जो 10-10, 11-11 साल से नाम इंटर नहीं किए राशन कार्ड में लोगों के वो इंटर किए जाएंगे, मनरेगा का 100 दिन दिया जाएगा, ये हाजिरी वगैरह जो है सुबह भी शाम भी औरतों को भी मर्दों के औरतों के फोटो भी पूरी दुनिया में छाए जा रहे हैं उसको खत्म किया जाएगा, लोगों के मकान दिए जाएंगे, बिजली जो है गरीबों को फ्री कर दी जाएगी, यहाँ नए डेस्टिनेशन जो है टूरिज्म के खोले जाएंगे हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, ताकि यहाँ रोजगार खुद पैदा हो जाए और स्पेशल भर्ती हमारे इलाकों में होगी। ये हमारे मुद्दे और मकसद और हमारा जो मैनिफेस्टो है वो भी जल्दी निकलने वाला है, उसमें सब कुछ होगा। तो फिलहाल आपने देखा कि किस तरह से गुलाम मोहम्मद सरूड़ी साहब गुलिस्तान न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे और किन किन मुद्दों पर इलेक्शन लड़ा जाएगा, वो सारी बातचीत गुलिस्तान न्यूज के साथ गुलाम मोहम्मद सरूड़ी साहब कर रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज।